हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मिथुन। मैं आज आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ कैसे आप घर में पालक मतलब स्पिनच को उगा सकते हो। यह है स्पिनच का सीड, इसे हम 24 आवर्स पानी में भिगो के रखे थे। पानी में भिगोने से इसका सीडलिंग बहुत जल्दी और फास्ट होता है, तो ये बहुत अच्छा है। और एक बात, इस सीड को पानी में भिगोने से पहले 2-3 घंटा धूप में सुखा के उसके बाद ही पानी में भिगो लेना, इससे बहुत अच्छा सीडलिंग होता है। तो आइए फ्रेंड, आज हम देखते हैं कैसे हम घर में स्पिनच को उगा सकते हैं। यह है मेरा मिट्टी, इसमें गार्डन सॉयल है 50%, कंपोस्ट है 40% और 10% बालू। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम स्पिनच का सीड गो कर दे हैं। यह है एक ड्राम, पानी का ड्राम। ये ख़राब हो गया था, इसे फेंकने से अच्छा मैं समझता हूँ इसी में ही स्पिनच को गो कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जो होल किया हुआ है इसमें कुछ पत्थर डाल देते हैं, इससे वाटर ड्रेनेज अच्छा होगा और पानी भी इसमें रुकेगा नहीं। तो अभी हम इसमें दे देते हैं मिट्टी। हम इसमें मिट्टी से बेड रेडी कर लूँगा यहाँ पे। पहले हम यहाँ पे एक मिट्टी का बेड रेडी कर लेते हैं। मैंने ये भर लिया है मिट्टी से। अब इसमें हम स्पिनच का सीड डालूँगा। देखिए यह है स्पिनच का सीड, हम इसमें बिछा देंगे। ये जो सीड है सब मेरा सब सीट हमने इसमें बिछा लिया। अब क्या करेंगे, जो मिट्टी तैयार किया था वो मिट्टी से हम इसको ऊपर से हल्का हल्का करके डाल के ये सीट को ढक देंगे, क्योंकि बाहर कोई सीट ना निकल सके। देखिए ऐसे ऐसे हल्का हल्का करके एकदम हल्का सा लेयर कर देना है इसके ऊपर, सीट के ऊपर सीट को एकदम दिखना नहीं चाहिए। ऊपर से हल्का हल्का लेयर करके मिट्टी को सीट के ऊपर दे देना है। हो गया है। अब हम इसमें हल्का सा पानी दे देंगे। अगर आपके पास कोई स्प्रे मशीन है तो उससे छिड़क के पानी देना, डायरेक्ट नहीं देना, नहीं तो अगर सीट है बाहर आ जाएगा। मेरे पास तो कोई अभी स्प्रे नहीं है, तो हम हाथ से ही छिड़क के देंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। हो गया, अब पानी डालेंगे इसमें। पानी को ऐसे लेना है और थोड़ा थोड़ा करके देना है, ऐसे ऐसे करके। तो फ्रेंड, अब सभी ने देखा कैसे घर में स्पिनच का सीड को लगा के उससे स्पिनच को होगा
हल्दी खाया। सोया भी से हम ऐसे ही रख देंगे। और इसके और एक बात, इसके ऊपर मैं एक नेट दे दूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ बहुत स्पैरो है, वो आके इसको सीड या सीडलिंग होगा जब उसको खा लेगा, इसलिए हम इसके ऊपर तो नेट देकर रख देंगे। जब थोड़ा ग्रो कर देगा ये सब, उसके बाद वो नेट को हम यहाँ से हटाएंगे। सो फ्रेंड, आपने देखा सीड से कैसे स्पिनच को उगा सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।